किश्तवाड़, भद्रवाह, पुंछ, राजौरी और पुंछ, सुंदरवनी, कठुआ, सांबा, बसोली, बिलावर से आए हैं ये बहन। ये जो निगरान है, चौकीदार है, क्लास फोर को इनको भर्ती किया जाए। और जो ये कुक्स का काम करती है हमारी बहनें, जो ये तमाम जम्मू क्षेत्र से आई है, इनको कई कई सालों से तनख्वाह 18-18 साल हो गए नौकरियां करते हैं। हम तनख्वाह बढ़ाएंगे, इसी में से हम काम कर रहे हैं। तो हमें तनख्वाह 15-15, 20-20 साल हो, कोई नहीं, वही 900 देते हैं। पहले 1000 देते हैं, अब 900 देते हैं। जी साहब, क्या डिमांड करना चाहेंगे आप? बस यही कि हमें तनख्वाह बढ़ाएं और हमें क्लास फोर में भर्ती किया जाए। आप देखे कि एक बात और मैं आपको बताऊं, लैंड डोनर्स हैं इसमें बहुत से, जिन्होंने सरकार को जमीनें दी कि हमारे यहाँ पे आप स्कूल खोल लीजिए, जो भी करना है कर लीजिए। और सरकार ने उनसे कहा था कि आपके परिवार को नौकरी देंगे, लेकिन वो भी किसी को नौकरी नहीं मिली। हाथ खड़े करें, नहीं मिली। और ना ही इनको इंसाफ मिला। बेरोजगारी, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानो तख्त। और आज ये सारे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब आपके ऊपर और भारतीय जनता पार्टी की सरकार से जस्टिस की गुहार लगा रहे हैं, और आपके ऊपर भरोसा नहीं रहा है। अब ये चाहेंगे कि ये बहन जो दूर दराज के इलाके से आई है, इसकी भी बात सुनी जाए। हम बोल रहे हैं सर, नहीं हमारी तनख्वाह बढ़ाते हैं, नहीं कुछ, 400-400 रुपया डालते हैं, कभी 1000 रुपया डालते हैं, कभी 800 रुपया डालते हैं, हमको पता नहीं चलता है कितने पैसे डालते हैं 8-9 महीने के बाद। हमें उम्मीद है कि ये 2 तारीख से पहले हमारा मसला हल हो जाएगा। अगर नहीं हुआ तो हम काम छोड़ हड़ताल करेंगे। जिन्होंने जमीन दिया वो अपने जमीन में मतलब बच्चे लेके बैठेंगे, ताला लगा लेंगे। बिजली लोगों में ज्यादा आ रहे हैं और आपने देखिए, हाँ, जम्मू कश्मीर के लोगों को भारी भारी बिजली के बिल मिल रहे हैं। पहले जम्मू कश्मीर को नीलाम कर दिया, बेच दिया, हमारी जमीनों को बेच दिया, हमारे पावर प्रोजेक्ट बेच दिए, पेट्रोल डीजल महंगा कर दिया, एलपीजी गैस महंगी कर दी, और घर को चलाना मुश्किल हो गया। और इसके साथ साथ बिजली के स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं, और वो बिजली के किराए लाख लाख, दो दो लाख से कम गरीब लोगों को नहीं आ रहे। कल मैंने बताया था, और हम प्रदर्शन कर रहे हैं कंधे के ऊपर सिलेंडर्स रख के, कि गरीब इंसान बोझ तले दब रहा है, और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये ना तो बिजली के किराए माफ कर रही है, लोगों को बेच रही है, गिरवी रख रही है, और महंगाई के तले इन गरीब लोगों को दबा रही है। सर, अमित शाह से मिलने भी गए थे आप? जी हाँ। तो क्या उनके साथ? अमित शाह जी से जब मैं मिलने गया था तो मैंने मिनिमम वेजेस एक्ट की बात की थी, इन सब की बात की थी, डेली वेजर्स की भी बात की थी, रायबरे खेल टीचर, जंगलात सेहत, बॉर्डर बटालियन के बच्चों की, हेल्थ वर्कर्स जो 1600 निकाल दिए गए हैं, जिनको टर्मिनेट कर दिया है। अफसोस की बात तो यह है, गवर्नर साहब आपने उनको वादा किया था कि आपको नौकरी दी जाएगी, पक्का किया जाएगा, अरे आप पे भरोसा कौन करे, आपने सभी का भरोसा तोड़ दिया। डीजल और पेट्रोल भी जिस तरह से महंगा हो जी, बिल्कुल महंगा है, महंगाई की। लेकिन आज बेरोजगारी, कंटिंजेंट वर्कर्स की मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, कंटिंजेंट वर्कर्स की मांगे पूरी करो।